हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम डिस्कस करते हैं एनसीएल की रेडियोग्राफर का ऑफिशियल आंसर की ये वीडियो सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट एवं नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आया था वेरी इजी था पेपर लेवल सो so, क्योंकि मैं एक एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हूँ विदाउट डूइंग रेडियोग्राफर कोर्स बट स्टिल आई कैन सॉर्ट आउट दिस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन क्योंकि कुछ सम uh, क्वेश्चन ऐसा है कि आपका प्रोफेशनल है बाकी क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट भी उसको आंसर कर सकते हैं सो so, सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे तो वीडियो देखते रहिए यहाँ पे देखिए सेक्शन ए टोटल हंड्रेड क्वेश्चन था सेक्शन ए में वन टू सेवेंटी क्वेश्चन सेक्शन बी में थर्टी क्वेश्चन जी था एंड यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों था ऑफलाइन था पेपर सो so, आप देख सकते हो जिनको हिंदी कंफर्टेबल है आप हिंदी भी देख लीजिए एंड आई विल डिस्कस ओनली इंग्लिश पार्ट सो यहाँ पे देखिए चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हुई पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्सरेट इन फ्रॉक पोजिशन ऑप्शन ए पेल्विस ऑप्शन बी हिप जॉइंट ऑप्शन सी नी जॉइंट ऑप्शन डी एल्बो जॉइंट आप गेस कीजिए कौन सा सही आंसर होगा सो करेक्ट आंसर इज ए दैट इज पेल्विस सो नेक्स्ट हम देखते सेकेंड क्वेश्चन हुइच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिड्यूजिंग Radiation exposure to the patient. Option A, high KV and low milliampere second, and second uh, option collimation, third is filtration. So you have a option A is one and two, B is two and three, C is one and three, and D is 1 two, three So correct answer is D, that is one, two, three. That means it. Three options that will help in reducing exposure to the patient. Next question number three. The unit of dose equivalent used to express radiation dose in living tissue. is correct answer is rem. So easy question bhi tha. Question number four. this can answer Non-professional. TLD badge should be worn at outside of the lead apron.

इन कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी यहाँ पे आंसर कर सकता है इवन कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट भी ऑप्शन ए इज़ मिडियल वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम बी इज मिडियल वॉन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम लेटरल वॉल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम ऑप्शन डी इज मिडियल वॉल ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम आई होप सबको आई आंसर गया है इसका पर यहाँ पे फाइव आंसर इज बी दैट इज मिडियल वॉल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम दैट इज बी इज करेक्ट आंसर सो so नेक्स्ट ये भी और एक ईजी क्वेश्चन था नाटोमी का द स्टॉम इज लोकेटेड प्राइमरली विद इन द राइट लेयर क्वार राइट अपर क्वारन एंड लेफ्ट अपर क्वारन एंड लेफ्ट लेर क्वार्डन आई थिंक ये तो सबका सही होंगे सो क्वेश्चन नंबर सिक्स कराइट आंसर इज सी लेफ्ट अपर क्वारन सो नेक्स्ट विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेवन the normally patient is asked to inhale deeply when they having his lungs X-ray which of the following is the best reason to reason for that ये koi bhi answer kar sakte hain ज़रूरी नहीं कि रेडियोग्राफर है इसका आंसर जाने क्योंकि बेसिक था हम X-ray करने का टाइम पेशेंट को बोलते ना deeply inhale करो किसलिए first option is more uniform density increase contrast greater magni And greater area of lung structure shown. So, easily, I think you knowing the correct is D. That is, greater area of lung structure is shown. Next, question number 8: that is, compression is used during excretory urography in order to accomplish which of the following? A, B, basic question: tha. first, tha, adding in the Excretion process b immobilizing the patient, c preventing the patient from breathing during the exposure, d is retaining the contrast medium in the collecting system. So, question number eight is correct answer is d that is retaining the contrast medium in the collecting system. Next, we'll see question number nine. दिस इज़ ऑल्सो बेसिक क्वेश्चन फॉर आई थिंक सो दिस फॉर दिस एंसियल एग्जाम इतना प्रिप्रेशन की भी जरूरत नहीं अगर आपने प्रोफेशन में थ्री ईयर स्टडी किया ना तो बेसिक नॉलेज है तो येट दिस जॉब हुच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ द फॉलोइंग यूनरी ब्लडर दैट इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट इंजेक्शन इन टू द कॉन्ट्रस्ट मीडिया थ्रू केथिटे तो सिंपल बात है आग बंद करके आप आंसर दे सकते हो क्योंकि यूनरी ब्लडर है या पे इंट्राविनस पायलोग्राम इंट्रविनस यूरोग्राम रेट्रोगेट पायलोग्राम एंड सिस्टोग्राम सो कर डी दैट इज सिस्टोग्राम नेक्स्ट ट्वेल्थ से क्वेश्चन नंबर टेन तो आपकी प्रोफेशनल क्वेश्चन है सर आप रेडियोग्राफर ही उसका आंसर दे सकते हो द फ्रीकेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज इन मेडिकल इमर्जिंग इन हुई रेंज ऑफ दिस ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन दिया है हार्च का एंड मिली भी दिया है इसमें उसका डोज इंक्रीज करके कौन सा सह आंसर है यहाँ पे सो so, आप गेस कर सकते कार्ट आंसर बिकॉज ये आपका प्रोफेशन का है कार्ट आंसर इज बी सो नेक्स्ट वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ यूज इन एम आर आई सो आपको मालूम है ये भी बेसिक क्वेश्चन था कोई भी जानते यू भी रे तो नहीं होगा अल्ट्रा वायलेट एक्स रे भी नहीं होंगे बिकॉज एम आर आई है साउंड वेब भी नहीं होंगे बिकॉज साउंड वेब यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में सो so, यहाँ पे बचा है रेडियो एप्स सो जो मैग्नेटिव रेस्टोरेंस एमेजिंग था उसमें रेडियो वेव्स यूज की जाती है सो बेसिक क्वेश्चन नेक्स्ट द एब्डोमिनल आयोटा बाई फोर किट इंटू राफ्ट एंड राइट यहाँ पे ऑप्शन देखिए कॉमन एलियक आर्ट्रिस पब्लीटियल आर्ट्रिस फीमोरल आर्ट्रिस टीवील तो आपको पता है जो हमारी हार्ट है उसमें असेंडिंग आयोटा है नीचे डिसेंडिंग डिसेंडिंग आगे जाके थोड़ा सा एक फिर वही एपडोमिन में आते हैं एपडोमिन आयोटा फिर वो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट इलिया काटरी में फिर वो नीचे जाके फीमोराल पॉपलेटियल टीबियल तो यहाँ पे देखिए फीमोराल टीबिया तो एकदम नीचे है पॉपिटियल आपकी नी के पास है फेमोरल भी नहीं होंगे उससे पहले वो डिवाइड हो जाएंगे कॉमन इलीगा काटरीज में नेक्स्ट है हुई आर दो फॉलोइंग रेडियोलॉजिकल प्रोसीडियर आउटलाइन स्पाइनल कट ये भी सिंपल था कि भी तो नहीं होंगे थर्मोग्राफी भी नहीं होंगे एंड जीरोडोग्राफी भी नहीं होंगे तो कार्ट आंसर है स्पाइनल कट की बात कर रही है तो माइलोग्राफी सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विल सी अनएक्सपोज एक्सरे फ्लेम इज कम्प्रोमाइज कम्प्राइज ऑफ ट्रांसपेरेंट पोलेस्टर बेस कोटेड विथ एन इमल्शन कंटेनिंग रेडिएशन सेंसिटिव पार्टिकल इज नोन एज ये मुझे नहीं पता आपकी प्रोफेशनल क्वेश्चन है बट मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगी आप क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सी है ए e और बी डैट मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आइडाइड दोनों हैं सो so, आप बता सकते हो जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ए भी प्रोफेशनल आपकी बेसिक रेडियोग्राफर का क्वेश्चन है स्विमर ब्यूज इज़ यूज फॉर टेकिंग एक्सरे ऑफ स्विमर व्यू यहाँ पे फर्स्ट इज लम्बोल स्पाइन सर्वाइको थोरासिक जंक्शन ह्यूमेरस एंड सो यहाँ पे फिफ्टीन का करेक्ट आंसर बताइए आप गेस कीजिए कौन सा होंगे आंसर बी बीज सर्वाइको थोड़ासिक जंक्शन नेक्स्ट दिस इज वाटर व्यू इज यूज फॉर टेकिंग एक्सरे वाटर व्यूज वही होते हैं ना जिसमें माउथ ओपन करके हमारी पैरा जल साइनस को व्यू करते हैं जिसके थ्रो स्पिनोइड साइनस को विजुअलाइज करते हैं सो उसमें ऑप्शन ए इस बेस ऑफ स्कल ऑर्बिट मस्टेड बोन एंड पैरानजल साइनस साइनासिस सो कार्ट आंसर विल भी पैरानजल साइनसिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इज़ एपिकोग्राम इज यूज फॉर टेकिंग एक्सरे ऑफ ये कोई भी आंसर कर सकते हो बेस ऑफ द लांग्स एपिक्स ऑफ द लंग्स एंड डायफ्राम तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर छुपा हुआ है तो करेक्ट आंसर विल बी लंग्स दिस वन नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर एट्टीन क्वेश्चन नंबर एट्टीन हाँ ये भी बेसिक क्वेश्चन है नॉट प्रोफेशनल दैट इज विच ऑफ द प्रोसी प्रोसीडियर यूज इन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आपको पता है रेडिएशन जो है टू टाइप का होती है एक आयोनाइजिंग होती है एंड नॉन आयोनाइजिंग होती है जो आयोनाइजिंग होती है वो सेल वाल को भी डैमेज कर सकती है दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी जो नॉन आयोनाइजिंग है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है लेस हार्मफुल है सो so, यहाँ पर पूछा है नॉन आयोनाइजिंग तो आपको पता है सबको सी टी स्कैन एंड न्यूक्लियर जो भी न्यूक्लियर स्टडी एंड एक्सरे वो हार्मफुल होती है तो दैट मींस वो आयोनाइजिंग हो गया आप करेक्ट आंसर क्या होंगे एम आर आई दिस इज नॉन आयोनाइजिंग सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन दैट इज टू डिटेक्ट गैस फ्लूड लेवल इन एप्टमेन फॉलोइंग एक्सरे व्यूज ऑफ एप्टमेन अर टेकन सो दिस इज प्रोफेशनल क्वेश्चन है दैट इज एपी वी यू लेटरल डिक्यूबिट व्यू इरेक्ट व्यू आंसर डी इज़ बोथ बी एन सी सो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का राइट आंसर बी डी दैट इज बोथ बी एंड सी दैट मीन्स एंट्री पोस्टर व्यू एंड इरेक्ट व्यू दोनों ही होते हैं इससे नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मोस्ट डैमेजिंग टाइप ऑफ रेडिएशन इज बीचर एक्स रे अल्फा रे गे तो सबको पता है सबसे हार्मफुल कौन सा होती है गामा रे मोस्ट डेंजरस होते हैं डैमेजिंग टाइप होती है दैट इज रेज नेक्स्ट इज ट्वेंटी वन दोन्सिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एनाटोमी का जो नी ज्वाइन कैसे फॉर्म होती है आपको पता है नी ज्वाइन से पहले क्या है फीमार है ठीक है जिसमें ऐसी डा, राफ डाइग्राम ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे नी है जिस इज फीमार आपको पता है ये यहाँ पे टीविया है फिर यहाँ पे नी का सामने पेटेला है तो नी अर बनने के लिए फीमर भी चाहिए पेटेला भी चाहिए एम टी भी चाहिए सो so, यहाँ पे ऑप्शन होंगे वन टू थ्री डी एनाटॉमी का बहुत सारा क्वेश्चन था एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन था टफ तो बिल्कुल नहीं कट ऑफ तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत हाई जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इजी था सो नेक्स्ट है यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एनाटोमी पेशेंट इज यूजली रिक टू ड्रिंक बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इन ऑर्डर टू डेमोस्ट्रेट विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ए इज पायलोरस सिगमोइट डी इज टीटिनम ऑप्शन पूछा है ए और बी एंड वन एंड थ्री टू एंड थ्री एंड डी सो आपको पता है बेरियम एनिमा भी होते हैं बेरियाम सोलो भी करते हैं जो बेरियम सोलो करते हैं ना वो जी आई ट्रक का जो आप जी आई ट्रक है ना वो आपर, है ना, वो दिखता है इसमें वेरियम सोलो में एंड जो यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ठीक है जैसे कि सिगमोइड कलन वगैरह उसमें बेरियम एनिमा से दिखते हैं बेरियम सोलो से नहीं सो सिंपल आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पे पाइलोरस भी देखते हैं ड्यूडिनम भी देखते हैं सो ट्वेंटी टू का करेक्ट आंसर इस बी वन एंड थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दिस दिस इज़ आपका कंप्लीटली प्रोफेशनल क्वेश्चन है द इमेज इंटेंसिफायर इन पोर्ट फॉस्फर इज जनरली कंपोज ऑफ सो इन ट्वेंटी थ्री करेक्ट आंसर विल बी ए सी आयोडाइड So next we will see 24. So we can see question number 24. The following statement is accurate. With the respect to the difference between the male and female bony pelvis. So here option is a female pelvis is outer is white a pubic angle is 90 degree and fewer than male and male pelvis is more shallow. Only वन टू वन एंड टू टू एंड थ्री वन टू थ्री कौन सा करेक्ट आंसर है सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंस है जो मेल पेल्विस है आउटलेट पेल्विस का मेनली तीन पार्ट होती है आउटलेट बेस होती है इनलेट बेस एंड आउटलेट थ्री पार्ट होती है जो अंदर का पार्ट है ना वेलविट का मेल का क्या होता है वो हार्ट शेप का होती है इस तरीके से होती है इसी को एंड्रॉयड पेल्विस भी कहा जाता है बट फीमेल का ऐसा नहीं होता है क्योंकि हार्ट की जगह ना कैविटी वाइड होती है वाइड होती है चौराई होती है एंड सर्कुलर होती है बिकॉज इसके दौरान फीमेल का जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो फिटल हैड है वो वन इच सर्कल रोटेट हो सकता है फॉर दैट रीजन ओ राउंड शेप इसलिए उसको गाइनोकोड पेल्विस कहती है और मेल का एंड्रॉइड पेल्विस कहा जाता है तो उनके उस हिसाब से ए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड यहाँ पे फीमेल में भी आपको पता है जो ये प्यूबिक बोन होती है ना प्यूबिक इस तरीके से आते हैं इसको प्यूबिक आर्च बोलते हैं ना ये प्यूबिक बोन सिंपाइसिस प्यूबिक जो है दो प्यूबिक बोन मिलकर बना हुआ है वो भी नाइन्टी डिग्री एंगल होती है सो इस अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ट्वेंटी फोर का बी इज करेक्ट दैट मीन्स वन एंड टू दोनों वन एंड टू सो नेक्स्ट क्वेश्चन with the patient position as for the perito acanthial projection that is water method and the central ray directed through the patient open mouth which of the following sinus group is demonstrated through this open mouth i think pehle bhi ye question hum log discuss kiye jo क्वार्टर बेस मेथड करती है पेशेंट का माउथ ओपन करके वो एक्सरे लेता है ना उसमें क्या होता है पैरानेजल साइनस को देखते हैं but especially माउथ को ओपन करने के लिए वो कौन सा डेमोस्ट्रेट करते हैं माउथ ओपन करके जो होता है ना साइनस को की स्पीनोइड साइटर इज डी टी फाइव का डी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्वेंटी इन विच ऑफ द बॉडी पोजिशन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अर्थपिनिया एक्सपीरियंस द लिस्ट डिस्कम्फर्ट तो आपको पता होना चाहिए अर्थपिनिया क्या है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है इसमें पेशेंट को अगर फ्लैट लाइंग डाउन पोजिशन सुला देते हैं तो क्या करते हैं पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है तो वो कंडीशन किस में ये रिकमेंड पोजिशन ही सुपाइन जिसमें होते हैं बट ये कंडीशन को अगर ठीक होना है पेशेंट को कंफर्ट मिलना है तो इसके लिए आप फॉर्नर पोजिशन दे सकते हो बट ये क्वेश्चन घुमा के भी नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं वाह वन मोर एन टू क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग है ये भी तो फोर मेजर आर्ट्रीज सप्लाइंग द ब्रेन इंक्लूड द ब्राकिफेलिक आर्टरी कॉमन केयरटेड आर्टरी एंड वर्टरीबल आर्ट्रीज तो आपको यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दो जो हमारी हार्ट होती है इसमें फोर चैम्बर है, है ना एंड यहाँ पे आयोटा है असेंडिंग आयोटा का इस तरफ आर्च ऑफ आयोटा होती है यहाँ पे थ्री होती है इसमें एक चले जाते हैं आपका ब्राकिफेलिक आर्ट्री या फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटेड आर्टरी भी होती है ये क्या करते हैं राइट ब्राकिअल सेफलिक्ट क्या करते हैं हमारी जो ए आपको पता है ना वो हैंड में भी जब हम एंटी क्यूविटल फोसा में ब्लड प्रेशर रहता है तो ब्राकिअल आर्ट्री को फील करता है तो ये हैंड में अपर एक्सट्रीमिटीज़ में सर्कुलेट करती है तो ये तो नहीं होंगे ब्रेन में तो दूसरी मेनली क्या होता है ये जो कॉमन क्यूटेड आर्टरी होती है वो जाके राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ से नेक का ऊपर से ब्रेन को सप्लाई देती है तो ऑप्शन दो तो करेक्ट होने वाला हो है इवन आप आर्ट्रीवी सप्लाई देती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ट्वेंटी सेवन का इस सी दैट मीन्स टू एंड थ्री ओनली दैट मीन्स कॉमन कैरोटिड एंड वर्ट्रीवल आर्टरी जो है वो ब्रेन को मेनली ब्लड सप्लाई देती है ठीक है वो मेजर आर्टरीज़ है हम मेजर में कंसिडर कर रहे हैं नेक्स्ट है ट्वेंटी एट हुई ऑफ द फॉलोइंग इज डेमोस्ट्रेटेड इन द लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द थोरा सिक्स पाइन इसका आंसर मैंने मैं बता देती हूँ दैट इज इसका जो आंसर है इंटरवर्टिबल जॉइंट एफोफिशियल जॉइंट इंटरवर्टिबल फोरामिना ये भी आपका प्रोफेशन से आई है बी का राइट आंसर है दैट मीन्स वन एंड टू दैट मीन्स इंटरवर्टिवल एंड एफोफिशियल जॉइंट आप देख सकते हैं सर यहाँ पे कुछ ऐसा है दो चार क्वेश्चन आई थिंक अराउंड टेन फिफ्टीन क्वेश्चन ही मिला है जो स्पेसिफिक रेडियोग्राफर प्रोफेशन से है बाकी क्वेश्चन ऐसा था है कि कोई भी प्रोफेशन से है तो आंसर कर सकते हैं लाइक कोई भी पैरामेडिकल या नर्सिंग भी क्योंकि एकदम बेसिक बेस क्वेश्चन था जो हर किसी को पता होना चाहिए सो आपकी प्रोफेशन से कॉमी क्वेश्चन था यहाँ पे तो इजी था पेपर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टाइज बाई वाइडिंग ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस ये भी बहुत ईजी है कोई भी स्टूडेंट के लिए इवन नर्सिंग स्टूडेंट भी इसको आंसर कर सकता है बिकॉज यहाँ पे इंटरकस्टल स्पेस वाइड किस में होती है ए एम बी एम पी और निमोनिया निमोनिया में लंग्स में इन्फ्लॉमेशन हो जाती है एम्फीमा में पस फॉर्मेशन हो जाती है एटलेक्टेसिस में कलप्स हो जाती है यहाँ पे एंड एम्फिसिमा में क्या होती है जो एयर से के एल वो डेमेज हो जाती है तब भी ज़्यादा वाइडिंग होती है तो कार्ट आंसर इज एम फेमा सो नेक्स्ट फॉर द ए पी व्यू एंड एंट्री पोस्टिव व्यू ऑफ कॉक्सिक्स इज द सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड ट्वेंटी फाइव डिग्री टूअर्स हेड टेन डिग्री टूअर्ड्स हैड ट्वेंटी फाइव डिग्री टूअर्ड्स हैड एंड टेन डिग्री टूअर्ड्स फीट सो थर्टी आंसर इज डी टेन डिग्री टूअर्ड्स पेट डी सो गाइज यहाँ तक मैं आज ही यहाँ फिनिश करूँगी बिकॉज मैं सेकेंड पार्ट में और भी आपके फोर्टी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी एंड जो जी के थर्टी क्वेश्चन है वो तीसरी पार्ट में सो so, हम हंड्रेड क्वेश्चन को थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे तब तक आप यहाँ तक प्रिपरेशन लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ईयर में इवन दिस ईयर में जो भी और भी एग्जाम होंगे कोई भी वैकेंसी में रेडियोग्राफर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है एनसीएल के लिए तो होंगे इसके अलावा जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला हो है आप देखिए इसमें प्रोफेशनल से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा था कि हर पैरामेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए एंड थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे